कला गांव में अटार नुमा बना मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसमें घर के अंदर महिला व बच्चा मकान के मलबे में दब गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में बचाव करते हुए मलबे में दबे महिला व बच्चे को निकाला। तब तक शिवम की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी और मां ज्ञानवती पत्नी धीरेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार व कोतवाल ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है कि बगल वाला घर बना रहा था और घर में जो है छटनी भी किया है। छटनी करने के बाद उसमें दीवार चलाई है और पुराई की है, वहाँ जो है पानी डाला है, सिंचाई की है, उससे अपन जो है वो दीवार धस गई। क्या लगता है तुम्हारी बनी दीवार को काट दिया है? उसमें छटनी की है, हल्की हल्की करके वही तो काटा होता है। फिर इसके बाद तराई मार दी। हाँ, दीवार चला के तराई मार दिया है तो पानी गया वहाँ अंदर और धस गई दीवार। घटना ऐसी हुई, मकान जो बगल वाला घर था वो जब ने खोदा तो थोड़ी छाड़ दी है, छाटे बाद अपनी दीवार चला लिया और चलाए के बाद जब तराई हुई तो नीचे दीवार खसकी सलकी यहाँ का पूरा मकान। कौन मकान बना रहा था, क्या नाम है उसका? उसका क्या नाम है? दादू भाई। दादू भाई। कब की घटना है ये? आज 8:30 बजे रात निकल शाम की आज रात में जो हो कुछ। अच्छा, यूपी में चुनाव